डीसीएम नुवेल लिमिटेड, डीसीएम ग्रुप के बारे में तो क्या कहें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स है इंडिया की, और उनकी ग्रुप कंपनी है, और ये बेसिकली डीसीएम नुवेल एक नई कंपनी है, नुवेल नाम है। तो डीसीएम लिमिटेड से एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू ये अलग हुई थी, डीमर्जर हुआ था, और ये 16 जुलाई 2019 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और इस स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है, और अभी भी कॉटन की एक गजब की कंपनी है, मतलब बेसिकली लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये 100% कॉटन कार्डेड एंड कॉम्ब यार्न्स की। और एक रीजन ये था कि कॉटन की प्राइसेस की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन इन कॉटन से रिलेटेड स्टॉक्स में आया, और ये भी ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट किया है, 386 के लेवल्स ऊपर देखे हैं, और वहां से आज 200 के नीचे आ गया, तो मुझे इसलिए बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा है, और फंडामेंटल्स बहुत गजब है, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, और रिजल्ट्स गजब और 22 के, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, तो इसलिए मैंने स्टॉक को लाया हूं मैं। और देखिए इनकी एक दो ब्रांड्स है, प्रीमियरो और डिनेरो, ये काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड है मार्केट्स में, और ये लोग बीसीआई के मतलब बेटर कॉटन इनिशिएटिव के भी मेंबर है, प्राउड मेंबर। अब 3 के पी मल्टीपल पे सिर्फ स्टॉक चल रहा है, 345 करोड़ की मार्केट कैप है, 42% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बुक वैल्यू का 1x पे ऑलमोस्ट चल रहा है सिर्फ, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो कोई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है, 0.5 है। जून 2022 का जो रिजल्ट है 24 करोड़ का पैट, और पिछले 5-6 क्वार्टर्स मतलब दिसंबर 2020 से लेकर जून 2022 तक गजब का पैसा कमाया कंपनी ने, इसलिए इतना सस्ता पी मल्टीपल है। टीटीएम बेसिस पे 118 करोड़ का पैट था कंपनी का, और 345 करोड़ की कंपनी है, हो सकता है आगे सस्टेन नहीं हो, इसलिए मार्केट्स उस चीज को वैल्यू डिस्काउंट कर रहा है, बट ओवरऑल अच्छा खासा रिजर्व्स कंपनी ने बना लिया, और काफी रिनाउंड इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्टेड है, FIIs, DIIs भी करीब 7% के लगभग होल्ड कर रहे हैं, और ऐसा प्रोमोटर बैकग्राउंड, ऐसे सस्ते पी मल्टीपल पे, ऐसे प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे, और ऐसे रिटर्न नंबर्स वाली कंपनी, और रिटर्न्स की लो डाउनसाइड रिस्क है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लग रही है मुझे, 150-160 रुपए से नीचे जाता हुआ लगता नहीं है, और रेटिंग्स भी इसकी अपग्रेड हुई है पास्ट में, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, आराम से 225-230 के टारगेट के लिए।